हेलो। हाँ लेखपाल बोलत हैं के? लेखपाल हाँ बोली। ये बताओ ऑनलाइन कई डाला है और खर्चा वर्चा के दे? खर्चो वर्चो आई न कागज डाला न कुछ डाला जो न डाटा मन ले बाद ऑनलाइन कई डाला और कागज डाला हमके। हम कहीं ऑनलाइन ये सो जाई ऑनलाइन ये फिर कागजा हमके डाला। अच्छा कागजा आपके लगे जमा करे पड़ी तो दूसरे लगे जमा करे पड़ी है और खर्चा बचा नहीं लगी है कितना लगी? हम लापे लग से कान लोग देवे बोला। अरे तो जानता है बड़ी मजबूरी बात नहीं समय हम के कुछ मालूम है ना ये कुल के बारे में नहीं मालूम है ठीक है लेकिन कहे मतलब कागज जमा करो जो नौकर वारिस होते नहीं होते किस वारिस है? दू जनी बाती हम हमारे छोट भाई कहा ना है शैलेश सनी माता माता का ना ही है कुछ है? मम्मी ना ही है मम्मी छोड़ दिए लेना मन के बचपने में कहा गई कौलाहा है हमारा तीन जनी रही है बाप बेटा तीन जनी तीन जनी आवा अरे अब पिताजी ना बाटे हम दुई जनी बाटे एक कागज ले 500 रुपया लगी 500 रुपया अच्छा तो जैसे एक खेत चकबंदी में बाकर का हुई चकबंदी वाले करेंगे है तो जैसे चार थे ऑनलाइन ये करोले रहनी हम कहाँ बेलघाट के बाद बहादुरपुर खुर्द बहादुरपुर बुजुर्ग आए थे बरमदेमा बा बताओ खर्चा चार गांव का ये बताओ किस खर्चा नहीं बताओ कान को करिया ना वैसे है बिना पैसा ले ले बोला कैसे बताए इतनी समय मनो चार गांव मान लो खेत है चार गांव में कम से कम 500 रुपया 2000 हो जाए ना 2000 तो 1000 तो बेलगांव के ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा टिकलियादार निवासी शैलेश कुमार अपने पिता से मृत्यु के बाद अपनी जमीनों की विरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जिसके बाद थजनी तहसील के लेखपाल श्री राम ने फोन करके कहा कि विरासत के लिए 2000 चाहिए नहीं देने पर मैं कागज कूड़ेदान में फेंक दूंगा। अब तो कहीं कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त पूरा मामला दिखाई देता है और इस पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विपिन कुमार सिंह जुड़ गए। विपिन आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए अभी फिलहाल ये मामला 3 दिन पहले का है जी। और जैसे ही ऑडियो वायरल हुआ उसके माध्यम से मीडिया को भनक लगी और इस मामले को उप जिलाधिकारी ने ध्यान लेते हुए तत्काल कार्रवाई किया है कि अभी निलंबित कर दिया है लेखपाल को और आगे जो भी कदम उठाएंगे जी हम इस मामले को तक जाएंगे और इसको सुनिश्चित करेंगे कि इनके ऊपर अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए। वाकई कार्रवाई होनी भी चाहिए लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सरकारों की तरफ से कहा जाता है खासतौर पर गोरखपुर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ यहाँ से हैं लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त की जो बातें की जाती हैं ये मामले सामने आने के बाद ये लगता है कि जो वादे हैं वो महज बयानों में देखने को मिलते हैं रैलियों में सुनने को मिलते हैं धरातल पर इनकी सच्चाई कुछ और है। जी बिल्कुल यहाँ के अधिकारी जो है इस मामले को जो है अभी जो है फिलहाल गोल मटोल जो कि मीडिया को जब भनक लगी तो मीडिया जब जाती है बात करने के लिए तो गोल मटोल सा जवाब मिलता था लेकिन उप जिला अधिकारी नए आए हुए हैं और इन्होंने तत्काल जो है इनको सस्पेंड तो कर दिया है लेकिन अभी उनका कहना यह है कि अभी हम जांच प्रक्रिया और आगे रखेंगे और जैसी कार्रवाई होगी वैसे आप लोगों को बताया जाए। लेकिन जांच के बारे में यहाँ पर बात करते हैं ऑडियो भी वायरल होता हुआ नजर आया जिसमें सीधे तौर पर 2000 की मांग यहाँ पर करते हुए नजर आ रही थी तो एक अपने आप में को बड़ा सबूत है ये तो। जी बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा सबूत है और इसी के माध्यम से जो है सारे मीडिया कर्मियों को जो है बात लगी है
और आगे देखिए क्या होता है। और आशा और उम्मीद ये भी की जा सकती है कि जिस तरीके से यहाँ पर उप जिलाधिकारी ने जांच करते हुए लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है, तो और जो लेखपाल हैं जिनके मन में ये सवाल उठता है या फिर उनके रिश्वत की मांग वो करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें डर खौफ जरूर पनपेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये डर तो रहना भी चाहिए क्योंकि जो है मुख्यमंत्री का तार है और इस तरह से लोग करेंगे तो क्योंकि वो लड़का आता है और लोगों से मदद मांगा और इस माध्यम से ये ऑडियो वायरल हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अधिक जानकारी के लिए।